आपको बताएं कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, कीमत में इस्तेकाम। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 461 रुपए पर बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 296 रुपए, परचून रेट 307 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 318 रुपए हो गई। अंडों की पेटी 9420 रुपए में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। कहिएगा अब्दुल कादिर। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो सरकारी नज़रिया में जारी किया गया, उसमें ब्रायलर की कीमतों को बरकरार रखा गया 461 रुपए की सतह पर, क्योंकि ब्रायलर की खपत जो है मार्केट में बढ़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से कीमतें जो है अब मुस्तहकम होती दिखाई दे रही हैं। मुर्गी का गोश्त जो है वो 461 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत होलसेल जो है 296 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 307 रुपए मुकर्रर की गई है। तहम दूसरी जानी अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं रुक सका है। जैसे ही मौसम में तब्दीली जो है वो शुरू हुई, तो अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी रोजाना की बुनियाद पर शुरू हुआ, जो कि आज के दिन तक जारी है, क्योंकि आज भी 1 रुपया मजीद बढ़ाकर जो फार्मी अंडों की कीमत है सरकारी रेल में 318 रुपए मुकर की गई है, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9420 रुपए मुकर की गई है, लेकिन मार्केट में जो अंडे हैं वो 330 से 335 रुपए फी दर्जन तक फरोख किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की खपत बढ़ते ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, इंतजामिया जो है वो अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी जो है इकदाम करे, क्योंकि रोजाना सरकारी महकमा में जारी कर दिए जाते हैं और बहाना ये बनाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।